गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे और हमारा लेसन जो है आज ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा सब टॉपिक है पिक्युलैरिटीज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स किए थोड़ा सा रिकैप्चर करवा दूँ, उसमें हमने देखा इंडियन वीवर्स की क्या कंडीशन थी। ठीक है, हमारा जो हम कहेंगे हमारा जो इंडस्ट्रियल जो हमारे मर्चेंट्स से थे, इंडियन मर्चेंट्स हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे उनका जो ऑलमोस्ट जो है कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, और उसके लिए आपको मैंने बताया था कि हमारे पोर्ट्स जो थे वो भी डिके की मतलब ख़त्म होने के वर्ष पे थे। उन्होंने आए, उन्होंने अपने नए पोर्ट्स बनाए, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, ये जो है ब्रिटिशर्स ने नए बनाए और यहाँ से ट्रेड को कैरी ऑन किया। अब इस जो हमारा टॉपिक है हम देखेंगे इसमें एक हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की क्या हम कहेंगे क्वालिटीज थी, पिक्युलैरिटीज थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो दो ग्रुप्स थे, एक तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी और दूसरी तरफ इंडियन बिजनेसमैन। अब ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, ये आपको पता है ये उन्होंने किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया, टी प्लांटेशन पे। ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन पे। इसके अलावा वो जो है कॉटन का तो खैर उनका पुराना था कि अपनी टेक्सटाइल्स को उन्होंने डेवलप करना है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, माइनिंग पे भी स्ट्रेस दिया, धीरे धीरे इंडिगो की प्लांटेशन पे स्ट्रेस दिया, जूट के कल्टीवेशन के लिए भी उन्होंने स्ट्रेस दिया। तो एक तरह से एक इंडिया को वो अपना एक मार्केट समझते थे और अपने इंडस्ट्रियल जो हब है, इंडस्ट्रियल जो उनकी वहाँ पर जो यूनिट्स ग्रो हो रही थी, जैसे मैनचेस्टर उन दिनों में बड़ा ही जो है एक वहाँ का एक इंडस्ट्रियल हब बना हुआ था, उसको उन्होंने डेवलप करना था। ठीक है, और इसके अलावा मैनचेस्टर मेड गुड्स का इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था क्योंकि मार्केट इंडिया उनके लिए मार्केट थी। ठीक है, मार्केट में जो है चीप सामान जो है सस्ते में आ रहा था और बहुत बल्क में बन के आ रहा था और उनकी जो है इंडस्ट्रीज उनकी डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने अपना जो है इम्पैक्ट जो है इंडियन कॉलोनी पे क्रिएट किया। एक कॉलोनी नहीं जो है उन्होंने इंडिया ने, इंडिया जो उन्होंने बनाई हुई थी किस तरह से उन्होंने उसको एक तरह हम कहेंगे एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, अब दूसरी तरफ इंडियन बिजनेसमैन थे, उनकी क्या कंडीशन थी अब हमने वो देखना है। अब जब उन्होंने देखा कि हमारा टेक्सटाइल भी जो है ख़त्म है और वहाँ के जो बड़े बड़े जो फॉरनर्स हैं इस तरह से हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उन जो मर्चेंट्स थे उनका तो आपको पता है ट्रेड से उनकी जो कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो अब उन्होंने अपने पैर पीछे करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हमने जो ये कर रहे हैं हमने वो वाले काम नहीं करने। उन्होंने इस कॉम्पिटिशन को अवॉइड किया। इसके अलावा उन्होंने फैब्रिक की बजाय उन्होंने क्या बनाया, कोरस कॉटन यार्न्स। ठीक है, कोरस के तो थोड़ा सा मोटा, वो जो यार्न होता है वो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, उन्होंने दूसरी तरफ अपना जो है ध्यान जो है खींचा कि भी हम जो है इतना कंपटीशन है तो हमें क्या ज़रूरत है। जब उन्होंने हमारे जो है पाँव जो हम कहेंगे वो लगने ही नहीं देने हैं, तो उन्होंने अपने जो जो है राह ही जो है बदली कर ली इंडियन बिजनेसमैन ने। अब दूसरी तरफ क्या था, अब आपको समझ आना चाहिए उन्होंने किस चीज़ को अवॉइड किया। उन्होंने फैब्रिक का प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया, उन्होंने कोरस मोटा कॉटन यार्न प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो है हमारा उन दिनों में ड्यूरिंग हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास ही, पीछे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 14-18 में, तो ये समय है कोई 1900 से 1912 के बीच में। ठीक है, तो दूसरी तरफ उन दिनों में स्वदेशी मूवमेंट जो है बड़ा जोर पकड़ रहा था। हमारे जो नेशनलिस्ट थे वो इंडिया के लोगों को कहते थे कि आपने जो कपड़ा है फॉरेन का बना हुआ उसको बॉयकट करना है, आपने स्वदेशी देश में बना हुआ कपड़ा जो है वो खरीदना है। तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो थे वो मार्केट धीरे धीरे कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, वो मार्केट में आ रहे थे। अब दूसरी तरफ क्या था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये उन दिनों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तैयारी में लगे हुए थे। ब्रिटिश की जो जितनी मिल थी वो सारी किस चीज़ के प्रोडक्शन में बिजी थी, वार प्रोडक्ट्स की। सामान लड़ाई में जो सामान चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है लड़ाई में, गन्स चाहिए होते हैं, एम्यूनिशन, बारूद, ये वो, तो सभी, तो क्योंकि ये एक पावर में थे, ब्रिटेन पावर में था, तो उन्होंने उन दिनों में ये अपने वार प्रोडक्ट्स बनाने में बिजी थे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर क्या था, इंडियन जो लोकल मार्केट है वो
उसकी डिमांड बढ़ रही थी कपड़े के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो है कॉटन का प्रोडक्शन करना, कॉटन पीसेस मतलब का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया था। वो बिजी हो गए थे किसमें, वॉर प्रोडक्ट्स में। अब इंडियन मर्चेंट्स ने देखा, इंडियन बिजनेसमैन ने देखा कि जब प्रोडक्शन यहाँ कम हो गया है, मैनचेस्टर से सप्लाई आना बंद हो गई है, फिर वो फिर से कहाँ शिफ्ट हो गए, दे शिफ्टेड फ्रॉम कोरस कॉटन यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन, फिर से वो फैब्रिक में आ गए। ठीक है, कॉटन पीसेस का प्रोडक्शन होने लगा और कॉटन का प्रोडक्शन जो है, फैब्रिक का प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया, डबल ट्रिपल हो गया फ्रॉम 1900 टू 1912। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे जो मैनचेस्टर था, एक कहेंगे जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वहाँ के बनी हुई चीज़ों का, तो वो जो है बिल्कुल अब कम हो गया था। ठीक है, और बल्कि जो वहाँ जो इंडियन जो फैक्ट्रीज थी उनको बोला जाने लगा कि आप हमें जो है क्या सप्लाई करो, जैसे जूट बैग्स हो गए, आर्मी यूनिफॉर्म होगी, टेंट, लेदर, बूट्स, इस तरह की चीज़ें हमें जो है वो आप सप्लाई करो। ठीक है, तो इंडियन दूसरी तरफ जो है इंडियन मिल्स का जो एक वास्ट होम सप्लाई तो थी वहाँ पे मार्केट सप्लाई, जो लोकल लोग थे तो वो तो लेते कपड़ा, तो उन्होंने लेना ही लेना है, तो इंडियन मार्केट जो है वो भी जोर पकड़ गया और बाहर से इंटरनेशनल डिमांड भी आने लगी। इस तरह से जो इंडिया का जो टेक्सटाइल था जो पिछड़ गया हुआ था ड्यू टू दिस हम कहेंगे टफ कॉम्पिटिशन, वो फिर से जो है अपने कहेंगे कि वो फिर से उभर कर आ रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो और भी कंट्रीज थे, जैसे जर्मनी है, जापान था, यूएसए था, जो कि प्रॉस्परस कंट्री हैं, तो इन्होंने भी जो है फैब्रिक्स का प्रोडक्शन जो है करना शुरू कर दिया। अब मैनचेस्टर की जो वो पोजीशन थी, जो पहले पोजीशन थी ड्यूरिंग 1861 जो है, वो पोजीशन मैनचेस्टर जो है अब कहेंगे उसके हाथ से निकल चुकी हुई थी। और इंडियन जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या कि इंडियन इंडस्ट्रीज थी, लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज, उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया था। कंसोलिडेट मीन्स उन्होंने अपनी जो पोजीशन बिखरी हुई थी उसको फिर से जोड़ लिया था, फिर से जोड़ लिया था। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मैनचेस्टर जो है वो अपनी पोजीशन खो चुका था और कहेंगे इंडियन जो टेक्सटाइल जो था वो जो फिर से एक बारी आ गया था ड्यू टू द लोकल डिमांड भी और इंटरनेशनल डिमांड भी। तो इस तरह से ही हमने ये टॉपिक कवर कर लिया कि क्या खासियत थी हमारी उन दिनों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, पिकुलैरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। एक टॉपिक और है इसमें मार्केट फॉर द गुड्स, कि किस तरह की गुड्स जो हैं मार्केट, मतलब मार्केट तो चाहिए ना गुड्स के लिए, प्रोडक्शन तो हो रहा था। अब क्या हुआ कि और भी कंट्रीज थे जो कि फ्लरिश हो रहे थे। ठीक है, तो उन दिनों में जो इन फॉरनर्स थे और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, इनके बीच में कंपटीशन हो गया कि हमने जो है अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से बेचना है। उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स वर का सहारा लिया। ये सबको पता है कोई भी प्रोडक्ट हमने बेचना है, आज इतना कंपटीशन होता है, इवन हमारे जो लोकल मार्केट्स हैं, हमारी इंडियन मेड चीज़ें हैं, उन्हीं में इतना कॉम्पिटिशन है। तो इंटरनेशनल मार्केट ने भी जब किसी कंट्री में आना है, पैर रखना है, तो कैसे आएंगे, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो उन दिनों में ये जो कंपटीशन था इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इंसान के दिमाग पे छाप छोड़ती छोड़ती हैं। ठीक है, तो उन दिनों में आपने देखा होगा जो फॉरनर्स थे अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते थे कि जैसे अब बचपन का मुझे याद है होता था ग्राइव वाटर, उसमें भी देखो लॉर्ड कृष्णा की इमेज बनी होती थी, क्योंकि उनको पता था कि जो है लोग इंडिया के सेंटिमेंटल हैं, थोड़े रिलीजियस हैं, तो वो उसी हिसाब से चीज़ें करते थे। कैलेंडर्स बनते थे, कुछ चीज़ें बनती थी जिनके ऊपर नवाब जो एम्परर्स होते थे लोकल स्टेट्स के, उनकी फ़ोटोज़ होती थी। ठीक है ना, तो इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मार्केट्स, अपने गुड्स को एक अच्छा मार्केट देने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स द्वारा इनका सहारा लिया जाने लगा। तो ये भी एक कॉम्पिटिशन आ गया था बीच में, हम कहेंगे एक स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड द फॉरनर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ये लास्ट टॉपिक है, हमारा चैप्टर इसके साथ ख़त्म हो जाता है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह तो आपको पता है, लेसन के बाद में दे ही देती हूँ,
तो आपने जो है लेसन को रीड जरूर करना है, आपने क्वेश्चन में डाल दूंगी, लेसन को रीड करना है। अगर आप लेसन को पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ समझ आएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे बहुत इजी है ये, इजी है ये भी दिमाग से निकल जाएगा, समझ आ गई, ये इजी है, इजी मैडम बोल रही है, ये भी दिमाग से निकल जाएगा। आपने लेसन जैसे मैंने अब ये लेक्चर आपको समझाया, तो आपने इसके बाद जो है आधा घंटा, आधा घंटा ही बुक उठाओ बहुत है, एक सब्जेक्ट को आप आधा घंटा भी दो, ठीक है, जो टीचर ने पढ़ाया एक घंटा आधा घंटा आपको सारा टाइम पढ़ा होता है तो बहुत है। आपने बुक उठानी है, जो मैंने पढ़ाया उसको रीड करना है, क्वेश्चंस और होमवर्क करना है। जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो एक वो आपके दिमाग में जो है वो चीज़ क्या करती है, वो एकदम जो है हम कहेंगे कि वो आपको याद हो जाती है। हाँ, जब लिखना है, लिखने का इतना इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग के ऊपर, तो आपने जो मैंने समझाया उसी का क्वेश्चन, जो टॉपिक्स में समझाती हूँ बेटा उसी के क्वेश्चन देती हूँ।